जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर जीवीके टोल क्षेत्र के पास वीडियो कोच बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। कोच बाड़मेर से जयपुर जा रही थी कि इसी दौरान स्लीपर कोच बस अपने से आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में करीब 20 लोग घायल हो चुके हैं। भिड़ंत की सूचना के बाद किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और आपको बता दें कि इनमें से 9 की हालत नाजुक होने पर उन्हें अजमेर के लिए रेफर किया गया है। दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाकर यातायात सुचारू करवाकर पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। सुबह 5:30 बजे थाना आजादी इतला मिली मकराना राज होटल के सामने NH 8 पर एक स्लीपर कोच बस का एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर मौके पे हेड कॉन्स्टेबल को भेजा गया और यात्री को भेजा गया और जाकर के देखा तो वहाँ पे 15-18 के लगभग लोग घायल हुए हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी बीके, ये बताएं क्या कुछ खुलासा हो पाया है, क्यों हुआ है सड़क हादसा? हाँ जी, मैं बता दूं, ये किशनगढ़ के जयपुर हाईवे की घटना है। जीवीके टोल के आगे जो मकराना राज होटल है वहां पर ये जबरदस्त भिड़ंत हुई है। जो स्लीपर कोच बस है वो ट्रक के अंदर जा भिड़ी। ये जो ओवरटेक के प्रयास के अंदर प्रथम दृष्टया जो पुलिस ने बताया ये भिड़ंत बताई जा रही है। करीब 15 लोग हैं जो दुर्घटना में घायल हो गए। 9 लोगों की स्थिति गंभीर होने के कारण राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल में इनका प्राथमिक उपचार हुआ और फिर इन्हें राजकीय अजमेर जैलन हॉस्पिटल रेफर कर दिया। अभी जो कुछ बाकी घायल है वो किशनगढ़ के राजकीय अस्पताल में है और जो 9 गंभीर घायल है वो अजमेर जैलन में उपचाररत है। किशनगढ़ थाना पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी ये बताएं, जो 9 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी स्थिति में क्या कुछ सुधार की जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, अजमेर उपचाररत है वो, उनकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। ये जो बस है वो जयपुर से बाड़मेर से जयपुर की ओर जा रही थी, अल सुबह की घटना है। जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से किशनगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां एक सड़क हादसे में 20 लोग घायल हो चुके हैं और इनमें से 9 लोगों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।